Exercise 5.5, question 18. If u, v and w are functions of x, then show that d by dx of u, v, w is equal to this. तो यहाँ पे देखिए ये u, v जो w है अलग अलग सेपरेट तीन फंक्शंस दिए हैं. आपको शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ तीन फंक्शंस अगर होगा तो उसका जो है वैल्यू ये रहेगा. ये आपको शो करना है. दो मेथड आपको इसमें यूज़ करके दो तरीके से शो करना है. एक तो बाय प्रोडक्ट रूल आपको करना है और दूसरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करके आपको करना है. तो एक एक करके करेंगे हम पहले. तो पहले प्रोडक्ट रूल से करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल. तो हम इसका LHS लेके चलते हैं. LHS क्या है? डी बाय डी एक्स ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू. अब क्या किया जाए तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन v और u को इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन. अब इसमें अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है. तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं w देन d by dx ऑफ u into v, ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस अगले स्टेप में u into v एंड dw by dx, इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब यहाँ पे इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, w को आप बाहर लिखो ब्रैकेट के बाहर. अब इसको प्रोडक्ट रूल से आपका कैसे लिखेंगे, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे आप, ठीक है. और इधर तो है यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इस तरीके से है. तो अब इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू और इसको, तो ये आप लिख सकते हैं यू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है. और इसको आप लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, और ये भी मल्टीप्लाई कर दो इंटू डब्ल्यू, और प्लस u v और dw डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है. तो अब आप इसको देखो, ये जो है इक्वेशन है यही वाला इक्वेशन आ गया. तो ये हमने इसको किया प्रोडक्ट रूल से, ठीक है. अब यही चीज़ को हम लॉग यूज़ करके किस तरीके से कर सकते हैं, तो अब हम करेंगे यही चीज़ बाय यूजिंग लॉग, ठीक है. तो लॉग के लिए आप क्या करोगे, ये जो है इसको मान लो y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू, इसको हम मान लेते हैं y. अब इसको आप लॉग ले लो दोनों तरफ, तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log u v w. अब इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, सिंपली log u प्लस log v प्लस log w, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय y dy वाई बाई डी एक्स, ये हो गया. और इधर क्या हो जाएगा, ये हो गया सिंपली 1 बाई यू और इंटू डी यू बाई डी एक्स. फिर ये इधर क्या हो जाएगा, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 1 बाई डब्ल्यू देन डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा. अब हमें चाहिए डी वी डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हमने कर दिया वाई, और बाकी इक्वेशन को ऐसे ही लिखेंगे हम, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ है, हाँ ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है. अब जो y है एक्चुअली ये था ना हमारा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो u v इंटू डब्ल्यू, ये था y. अब इसको आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले वाले टर्म से u कट जाएगा, क्या बचेगा, v w डी यू बाई डी एक्स बचा. यहाँ पे v कट जाएगा, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, u w dv by dx बचा. और अगले टर्म में w कट जाएगा इससे, तो u और v बचेगा, तो u v और dw by dx, ठीक है. तो ये जो आया हमारा यही है वो क्वेश्चन, देखिए. तो दोनों केस से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं.